हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें हिम्मत मिलती है आगे कंटेंट बनाने के लिए। तो टेलीविज़न ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हमें हर घर में अक्सर मिल ही जाती है, ताकि हमारे जो घर का जो इंटरटेनमेंट है वो हो सके। चाहे वो न्यूज़ देखना हो, चाहे वो कोई मूवी देखनी हो, या फिर चाहे कोई डेली सोप्स या फिर कोई रियलिटी शोज देखना हो, ये टीवी हर घर में अक्सर मिलता ही है। लेकिन क्या हो कि अगर ये टीवी जो हम ये देखते हैं यही फट जाए? जी हाँ, मामला ऐसा कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का, 16 साल का लड़का, गाज़ियाबाद में टीवी देख रहा था घर में बैठ के, लेकिन टीवी अचानक से फट गया, जिससे उस 16 साल के लड़के की मौत हो गई है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये टीवी फटा, और इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया टुडे का आर्टिकल है, गाज़ियाबाद टीन डाइज टू इंजर्ड आफ्टर एलईडी टीवी एट हिज हाउस एक्सप्लोडेड। यानी कि एलईडी टीवी जो उसके घर में था वो फट गया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई है, टीन की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए हैं। और इसी के साथ ही 91mobiles.com पर भी एलईडी टीवी ब्लास्ट इन हाउस इन गाज़ियाबाद, टीन किल्ड, टू अदर इंजर्ड इन एक्सीडेंट। 6 अक्टूबर का यह आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि क्या मामला है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट में एक 16 साल के लड़के की टीवी के फट जाने से मौत हो गई। मामला गाज़ियाबाद की हर्ष विहार कॉलोनी का है, जहाँ पर एक 16 साल के लड़के, ओमेंद्र नाम है उसका, वो अपने दोस्त के घर पर आया हुआ था। दोस्त का नाम था करण, और जिस रूम में ये बैठा हुआ टीवी देख रहा था, कुछ शो देख रहा होगा, उसी रूम पर ही उसकी मम्मी काम कर रही थी, करण की मम्मी। और यहाँ पर अचानक से टीवी फट गया, और टीवी फट जाने से जो एलईडी स्क्रीन के जो स्टैपनल्स हैं वो यहाँ पर पूरे रूम में फैल गए और बहुत ही तेज़ी के साथ लगे, और इसी वजह से ओमेंद्र की मौत हो गई, जबकि जो उनका दोस्त था करण वो घायल हो गया, और उसकी करण की मम्मी वो भी घायल हो गई। अब जो करण है और करण की मम्मी है, उनका जो इलाज चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है, और अब पता नहीं उनके साथ क्या होगा आगे। हर्ष विहार कॉलोनी के सर्किल ऑफिसर ने ये बताया है कि रूम में ऐसा कोई दूसरा इनफ्लेमेबल आइटम नहीं था सिर्फ टीवी के अलावा, यानी कि उस रूम में फटने की ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। और ख़ुद फायर डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को देखा और बताया है कि रूम में सिर्फ टीवी ही था, और जब ये एलईडी टीवी फटा तो ब्लास्ट इतना तकड़ा था कि कमरे की दीवारें फट गई और क्रैक भी आ गया दीवारों में। आपको दिखा देता हूँ मैं, तो ये रहा वो टीवी जो फट गया था, पूरी की तरह से ख़त्म हो चुका है ये टीवी, सब शैपनल्स ये सब ख़त्म। और ये दीवार है, दीवार का भी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है, यहाँ पर पूरी की पूरी फट गई है, क्रैक आ गया है, टूट गई है, ख़त्म हो गई है। आप घड़ी भी देख सकते हैं, घड़ी लटकी हुई है जबकि दीवार ख़त्म हो गई है। लेकिन देखा जाए तो टीवी का फटना बहुत ही रेयर इंसिडेंट है। हम इसके बारे में मुश्किल से ही सुनते हैं कि टीवी के ज़रिए कुछ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अब तो ये हो गया है जो बेहद ही चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से टीवी में ब्लास्ट हुआ है और एक 16 साल के लड़के की मौत हुई है, तो ऐसे में ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि क्या टीवी सेफ है, और टीवी में ब्लास्ट होने के पीछे क्या कारण है। तो देखिए, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ संभावना जताई जा रही है कि ये कारण हो सकते हैं टीवी के फटने के। और इससे में सबसे पहला कारण है कैपेसिटर, जिसे हम आम भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। यह है वो कंडेंसर जो आप देख रहे हैं, इसे कैपेसिटर कहते हैं आम भाषा में, कंडेंसर। वैसे देखा जाए तो कैपेसिटर कई तरह के आते हैं, लेकिन ये जो सामने आपके कैपेसिटर है, ये सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर है, जो छत के ऊपर जो पंखा लगता है उसका है, और जो पेडलिंग फ़ैन भी होते हैं उसमें भी ये लग जाता है। वैसे देखा जाए तो एक कैपेसिटर का काम होता है, जब किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को स्विच ऑन किया जाता है तो तब उसे हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है, तो तब कैपेसिटर हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी उस पूरे इक्विपमेंट में फ़्लो कर देता है, ताकि वो स्विच ऑन हो जाए। और इसके अंदर थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, जिसके ज़रिए ये इलेक्ट्रिसिटी की उसके रिक्वायर्ड अमाउंट में फ़्लो करता है। और इसके अलावा अगर ये कैपेसिटर टीवी में लगा हो तो इसका काम है टीवी में जो तस्वीर आ रही है उसकी नॉइस को कम करना, यानी कि किसी वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस करना, तस्वीर साफ़ करना। और इसके अलावा कभी कभी टीवी में अचानक से ज़्यादा करंट बहने लगता है, तो उस समय अचानक आए ज़्यादा करंट को ये कैपेसिटर अपने अंदर सोख लेता है। और ये रहा पंखे का कैपेसिटर, और अगर ये कैपेसिटर पंखे में लगा हो तो पंखे की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। आपको मैं बता दूंगी, किसी भी एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए कम से कम दो फेज़ का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन हम तो पंखे को नॉर्मली एक फेज़ में और एक न्यूट्रल पे चलाते हैं, तो ऐसे में ये पंखा कैसे काम करता है? तो ऐसे में काम आता है कैपेसिटर, या तो उसके अंदर चार्ज होगा या तो नहीं होगा। अगर चार्ज होगा तो ये एक फेज़ को अप कर देगा,
यानी कि जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देगा, जिससे कि जो दोनों फेज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए और फेज़ जो है चेंज हो जाए। अगर ये पूरी तरह से डाउन है, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं है, तो डायरेक्टली पहला वाला जो डायरेक्ट लगा हुआ है कॉइल में वो तो आगे चला जाएगा, लेकिन जो कैपेसिटर के ज़रिए जा रहा है और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अंदर चार्ज नहीं है तो वो लेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर फेज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें फ़र्क आ जाएगा, तो ये दो फेज़ बना देता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर के फटने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, और अगर किसी कैपेसिटर में ब्लास्ट घटना हो तो वो बहुत ज़्यादा पुराना होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से जो है चलना चाहिए, बेकार उसकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, या फिर इसके अंदर एक्सट्रीम लेवल की इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए। लेकिन अगर कैपेसिटर फट भी जाए तो इसमें इतना ब्लास्ट नहीं होता है, बल्कि इसमें से बस धुआं ही निकलता है, क्योंकि देखा जाए तो एक कैपेसिटर के अंदर सेमीकंडक्टर के पेपर ही तो है जो एक दूसरे से लिपटे होते हैं, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेबल चीज़ होती भी नहीं है। तो इसमें जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा रेयर ही होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कारण है तो वो है अचानक से वोल्टेज का बढ़ जाना और पावर सर्ज हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल्टी होती है, कभी कोई तार कहीं से कटा हुआ है, कहीं से कहीं वायरिंग ढीली है, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइन पर पानी आ रहा है, और तो ये चीज़ें कभी कभी अचानक वोल्टेज और पावर को बढ़ा देती है। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट को ऐड करते हैं उन इक्विपमेंट में, जिससे अचानक वोल्टेज एंड पावर सर्ज के टाइम डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि देखा जाए तो ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस एंड कंपोनेंट भी कभी कभी फेल कर जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम कैसे अपनी टीवी को फटने से बचा सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो देखिए, अपने टीवी को फटने से बचाने के लिए आप बहुत ही आसान स्टेप ले सकते हैं, और इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है टीवी को अनप्लग करना। जी हाँ, आपको टीवी को अनप्लग करना होगा, ना कि रिमोट से बंद करना, क्योंकि देखा जाए तो आप अगर टीवी को रिमोट से बंद करोगे तो टीवी की सिर्फ स्क्रीन ही ऑफ होगी, इसके अलावा अंदर कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। तो ऐसे में जब आप टीवी ना देख रहे हो तो आप उसको अनप्लग कर दीजिए, ताकि टीवी का बिजली से कनेक्शन कट जाए और टीवी ठंडा हो जाए। और इसके अलावा आप बेहतर क्वालिटी का तार इस्तेमाल कर सकते हो और अपने वायरिंग को भी और बेहतर बना सकते हो, ताकि आपके वैल्यूएबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फूकने से बच जाए। और इसके अलावा आजकल बहुत सारे स्मार्ट टीवी में एनर्जी सेविंग का फीचर आ रहा है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपने टीवी को फूकने से बचा सकते हो। इसके अलावा आजकल नए नए टीवी में बहुत सारे पोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि HDMI का पोर्ट, USB पोर्ट, ऑडियो वीडियो एंटीना पोर्ट और LAN पोर्ट, वाईफाई का इंटरनेट पोर्ट। तो आप इन पोर्ट का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने टीवी में बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो इससे आपका टीवी गर्म हो सकता है। और इसके अलावा टीवी में के आसपास प्रॉपर वेंटिलेशन होने चाहिए, आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर पाएँ, जिससे टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकल जाएँ वेंटिलेशन के ज़रिए। और इसके अलावा अगर आप कभी टीवी गर्म हो जाए तो आप उसके टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। हालांकि देखा जाए तो टीवी का फटना एक रेयर इंसिडेंट, लेकिन इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है और ये एहसास होता है कि आजकल सिंपल चीज़ भी खतरे से खाली नहीं है, और हमें सारी चीज़ों की पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @IImranSiddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है @IImranSiddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।